कि आपकी भी FIR नहीं हो पा रही है, बार बार थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं फिर भी पुलिस FIR नहीं लिख रही है। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। मैं एडवोकेट प्रियंक ढिमोले न्यायिक सेवा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि FIR होती क्या है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे प्राथमिकी भी बोला जाता है। तो FIR सिर्फ आपराधिक मामलों में ही होती है। जो थाने बनाए गए हैं ये सिर्फ अपराध को रोकने के लिए ही बनाए गए हैं। जो भी अपराधों की रिपोर्ट होगी वो सिर्फ पुलिस थाने में ही होगी। और जहाँ तक बात होती है दीवानी मामलों की, जैसे ज़मीन का मामला है आपका, ज़मीन का विवाद है, मकान का विवाद है, खेती बाड़ी की ज़मीन है जो उसका विवाद है, तो ये सब क्या है, दीवानी मामले कहलाते हैं। ये वकील के माध्यम से सीधा कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आपराधिक मामलों की जहाँ तक बात की जाए तो आपराधिक मामले से थाने के माध्यम से ही कोर्ट में जाए जाते हैं। तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात आती है तो आपराधिक मामले क्या होते हैं, जो भी IPC में दिए हुए जितने भी अपराध हैं, जितनी भी धाराएं हैं, उनका दंड जो भी दिया गया है वही आपराधिक मामले हैं। जैसे मारा कुट्टी हो गई, जड़ दिए किसी के कनफड़े पे दो, है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा, चोरी करना, डकैती करना, किसी को मार देना, ये सब क्या है, आपराधिक मामले हैं। ऐसे ही मामलों की रिपोर्ट FIR जो होती है वो थाने में की जाती है। अब हमने ये तो देख लिया कि FIR सिर्फ आपराधिक मामलों की ही होती है, लेकिन ये आपराधिक मामले जो हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध जो कि गंभीर प्रवृत्ति का हो, और असंज्ञेय अपराध जो कि छोटा मोटा हो, जिसमें पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो संज्ञेय और असंज्ञेय में जो अंतर यही है कि संज्ञेय मामले में पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, आपको उठा के ले जाएगी घर से, चल बेटा सेवा करेंगे तेरी। और असंज्ञेय मामले में बिना वारंट के पहले कोर्ट से वारंट जारी करवाना पड़ेगा पुलिस को, उसके बाद ही वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। और जहाँ तक संज्ञेय असंज्ञेय आपको सूची देखनी हो आपराधिक मामलों की, तो आप CRPC में देख सकते हैं। CRPC में अनुसूची 1 और 2 दी हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन से मामले संज्ञेय हैं और कौन से मामले असंज्ञेय हैं। अब बात करते हैं FIR की। अब मान लीजिए आपके सामने कोई अपराध हुआ है, या आपके साथ ही कोई अपराध हो गया, कोई दोस्त है, पुरानी रंजिश निकाल ली कहीं, चल भाई घूम के आते हैं थोड़ा, और ले गया और भड़ास निकाल दिया, अधमरा कर दिया, मार मार के पैर वैर काट दिया और निकल गया वो तो वहाँ से। अब आप स्थिति में ही नहीं है कि थाने वाने चल जाएँ, डायरेक्ट नेट पर फ़ोन लगाएंगे आप, सूचना तो देनी पड़ेगी ना पुलिस को। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि सूचना देना, कोई भी अपराध आपके साथ घटित हुआ है या आपके सामने घटित हुआ है। तो पुलिस क्या करेगी, इसे अपने FIR रजिस्टर में दर्ज करेगी, जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है प्राथमिकी, वो FIR पुलिस अपने FIR रजिस्टर में दर्ज करेगी। और ये FIR का प्रावधान लिखने का धारा 154 CRPC में आपको देखा जाता है या मिलता है। धारा 154 के तहत ही सारी FIR लिखी जाती हैं। ये एक प्रोसीजर का वो है, ऐसा कोई वो नहीं है कि 154 बहुत वो है, ये सिर्फ एक प्रोसीजर है समझने का। जो भी कोर्ट की कार्रवाइयाँ या पुलिस की कार्रवाइयाँ होती हैं वो इन धाराओं के बेस पे ही होती हैं। जो दिया गया है प्रावधान, जो भी नियम कानून दिए हैं, उनके अनुसार ही चलना पड़ता है पुलिस को ना कोर्ट को। अब बात आती है कि FIR लिखवाई कहाँ जाती है, तो भैया जहाँ अपराध हुआ है वहीं तो FIR लिखाएगी, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप FIR कहीं भी लिखवा सकते हैं, किसी भी थाने में लिखवा सकते हैं, उसे बोलते हैं 0 FIR। पुलिस मजबूर है, उसे लिखना पड़ेगा, अब आपको मना नहीं कर सकती लिखने के लिए। अब वो नहीं लिखते हैं, भगाते रहते हैं जहाँ से वहाँ, वो अलग बात है, लेकिन नियम तो यही कहता है कि 0 FIR आप दर्ज करेंगे। बाई चांस 0 FIR दर्ज कर ली उनने, तो क्या करेंगे, जहाँ पे मतलब अपराध हुआ है, जिसका क्षेत्र अधिकार है उस थाने का, वो वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यदि अपराध आपके क्षेत्र में हुआ है, आप वहीं पे हैं, तो आप उसकी कंप्लेंट FIR सीधे थाने में जाकर कर सकते हैं। और यदि आप कहीं बाहर हैं, आपको पता है कि अपराध हुआ है, तो आप वहाँ पे भी उसके 0 FIR पे कंप्लेंट कर सकते हैं। अब हम पहले बात कर चुके हैं कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तो वो सबसे पहले क्या करती है, FIR दर्ज करती है अपने FIR रजिस्टर में। थाने में दो प्रकार के रजिस्टर होते हैं, एक तो FIR रजिस्टर और दूसरा NCR रजिस्टर, नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर, असंज्ञेय अपराध का रजिस्टर। तो छोटे मोटे अपराध उसमें दर्ज कर लेते हैं ऐसे। जो मेन अपराध रहते हैं बड़े दर्जे के, संज्ञेय अपराध जिसे बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो FIR रजिस्टर में ही दर्ज होते हैं। तो अब बात की जाए संज्ञेय अपराध की, कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो पुलिस सीधा FIR
रजिस्टर में FIR लिखेगी और सीधा उठा के ले आएगी, चलो बेटा सेवा करते हैं दिल से, अच्छा पोड़म फाड़ी, कोई वारंट की जरूरत नहीं है, सीधा उठाने की पावर उनके पास तो सीधा उठा लेंगे। अब जहाँ तक छोटा मोटा अपराध है ना, मान लीजिए चांटा वाटा मार दिया किसी को, तो ये क्या है NCR रजिस्टर में लिखाया जाता है वैसे तो, ये अपराध छोटा मोटा अपराध है क्योंकि ये तो ऐसे लिखते लिखते तो है नहीं, वो लिख भी लिया तो वो अलग बात है, नहीं तो वो तो बोलेंगे भैया आप जाओ मजिस्ट्रेट के पास सीधा, वहाँ जाके बात करो, क्योंकि पावर नहीं है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर नहीं सकते वो। तो दो प्रकार की बातें आती हैं इसमें। तो फिर आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट सर देखेंगे मामले को कि यार अपराध बनता है कि नहीं बनता है, और उन्हें लगता है कि अपराध बन रहा है तो वो फिर बोलेंगे पुलिस को कि भैया देखो इसमें जांच करो इसकी, ठीक है ना, अत्याचार हुआ है बेचारे के साथ। तो पुलिस क्या है फिर जांच वाच करेगी जो भी है उसके आगे प्रोसीजर, क्योंकि वहाँ पे पुलिस सीधा एक्शन नहीं ले सकती, धारा 155 CRPC में स्पष्ट लिखा है कि बिना कोई वारंट के आप ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते असंगे अपराध के मामले में। अभी जो मजिस्ट्रेट के पास जाने का ऑप्शन मैंने बताया है, इसे हम सबसे लास्ट में रखते हैं। सबसे पहले तो नियम से तो आपको थाने ही जाना चाहिए, ऐसे आप थाने जाएंगे तो यहाँ वहाँ होते रहेंगे, कल आओ परसों आओ समय नहीं है, ये सब चलता रहता है अमूमन। तो संगे होगा तो फिर लिख भी लेंगे, नहीं तो घूमना तो है ही फिर। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप थाने जाइए सबसे पहले, यदि वो नहीं सुनते हैं तो फिर आप SDOP के पास जा सकते हैं। तहसील स्तर पर जैसे तहसीलदार होते हैं, SDM होते हैं, SDO होते हैं, वैसे ही SDOP होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, उनके पास भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, शिकायत नहीं की जा रही है उसकी या नहीं लिखी जा रही है। अब ये भी नहीं है तो भैया फिर जाते हैं हम SP के पास, जिले का मुखिया जो होता है उसके पास जाएंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके पास जाके शिकायत करेंगे, भैया वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर थर्ड लास्ट ऑप्शन है मजिस्ट्रेट के पास जाने का। अब मजिस्ट्रेट के पास भी जाएंगे तो आपके पास कुछ हो तो दिखाने के लिए कि भैया आपने पहले कुछ किया है, आप बोलेंगे हाँ मैं तो थाने गया था, मैं तो SP के पास घूम आया, क्या सबूत है तुम्हारे पास, कोई सबूत है आपके पास कि आप गए थे इतनी जगह, तो इतना सब घूमा फिरा हाथ आया ज़ीरो। तो सबसे बढ़िया प्रोसीजर, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप बचपन में एप्लीकेशन नहीं लिखते थे सेवा में, श्रीमान महोदय प्रिंसिपल वगैरह या कुछ भी, तो वही सादी एप्लीकेशन लिखनी है आपको सेवा में, थाना प्रभारी महोदय पहली एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन लिखनी है वही सेम मैटर रहेगा, बस ऊपर की हेडिंग चेंज होगी। दूसरी हेडिंग में क्या आएगा, सेवा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तीसरा में आएगा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला थाना डैम का, और फोर्थ में जो आएगा वो आएगा आपका, आप वैसे तो मुख्यमंत्री को भी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी लिख सकते हैं, बस आपके पास दिखाने के लिए होना चाहिए। ये आप लिखेंगे सादे पेपर पे, एक लिफाफे में भर के पोस्ट ऑफिस चले गए और इनको रजिस्ट्री कर दी, पोस्ट कर दिया इसको। अब एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप रजिस्ट्री करें जाके पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लिख जाओ थाने में जाओ लिखवाओ वहाँ पे बैठ के, ऐसा कुछ वो नहीं है। आप लिखित माध्यम से भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं किसी भी थाने में। तो सबसे बढ़िया इन चारों को भेजिए आप, और पोस्ट ऑफिस से आप डिलीवरी रिपोर्ट ले लीजिए कि कब डिलीवर हुआ है, वैसे 3-4 दिन लगते हैं मेरे ख्याल से डिलीवर होने के लिए, तो आप डिलीवरी रिपोर्ट ले लें, वो निकलवा लें, पोस्ट ऑफिस की सील लगवा लें, और फिर आप जाएँ मजिस्ट्रेट के पास कि सर मैंने यहाँ यहाँ शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये मेरे पास पावती भी रखी है इसकी, जो भी पावती है, ये डिलीवरी रिपोर्ट जो भी है, ये देखिए इतने दिन हो गए हैं। तो फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ मामला विचारण के लायक है, तो फिर वो खुद अपनी तरीके से उसको हैंडल करेंगे और पुलिस को आदेश देंगे कि इस पर कार्रवाई कीजिए, यहाँ पर अपराध कारित हुआ है किसी भी प्रकार का। तो अब ये तो बात हो गई कि FIR जब पुलिस नहीं लिखती तो लोग परेशान होते हैं, उसकी समस्या का समाधान ही हो गया। और यदि पुलिस FIR लिख लेती है आपकी सीधी, तो ध्यान रखिए कि FIR की कॉपी ज़रूर लें आप, पता तो चले कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या हुआ है, क्या मतलब पूरा मैटर बनाया उन लोगों ने, इतना तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो FIR की कॉपी अवश्य लें, और ऐसा नहीं कि सादा पन्ना ले लिया प्रिंट निकाल के दे दिया उन्होंने A4 साइज का, उसमें धाराएं लिख दी, नाम लिख दिया, एज लिख दी, किसका अपराध है, कहाँ घटित हुआ, उस पर सील लगी होनी चाहिए, ठीक है ना, थाने की जो भी सील है थाना प्रभारी के नाम से, तभी वो वैलिड है। और यदि पोस्ट ऑफिस की बात की थी मैंने, आप डिलीवरी रिपोर्ट लेके आते हैं वहाँ से, तो उस पर भी पोस्ट ऑफिस की सील अवश्य लगवा लें। सो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, छोटा सा वीडियो FIR के बारे में, और लॉ से जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं,
और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको FIR से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं उस चीज़ को। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।